ख्वाबों से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, सुबह से आँख में फिर आपकी कमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, सुबह से आँख में नमी सी है, सुबह से आँख में भावपूर्ण स्थिति में डूबते चले जाना, भावदशा प्रेम प्यास दर दीवानगी से ओतप्रोत, भीतर की सफाई के लिए, भीतर के स्नान के लिए, अंतस के स्नान के लिए, माइंड की क्लेंसिंग के लिए, कर ले दिल दे सफाई, जे दीदार चाहिदा तो जहां तो की लेना, तैनू यार चाहिदा। माइंड की क्लेंसिंग, अंतस का स्नान, भीतर का स्नान, भावपूर्ण स्थिति में, भावदशा में 365 तीर्थों के स्नान से भी हो जाए, अंतस का स्नान, सभी तीर्थों का स्नान भीतर के स्नान के लिए हम बाहर का करके आ जाते हैं, तो सब भीतर की ओर इंगित करता है। कहीं भी स्नान करने जाओ, सर्वप्रथम भीतर का कर लीजिएगा। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना, संगीतमय वाइब्रेशंस में गहरी डुबकी लगाना, डूबते चले जाना, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना, तमाम माइंड्स पावर्स जगमगाती हुई निरंतर इंतजार कर रही है अपने निवास पर उतरने के लिए, अपने स्रोत से जुड़ने के लिए, तुझ में समा जाने के लिए। भीतर से कनेक्शन रखना, कदाचित भी डिस्कनेक्ट नहीं होना अपने स्वभाव से, अपनी सुक्ति से। मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे रहना, डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस विल हेल्प यू
to be free from the mind very soon. Self-discovery में रहना, अपनी एनर्जी को अवसर देना जगमगाने का, जनरेट होने का। लगातार थर्ड आई से कनेक्टेड अपने भीतर की हर स्थिति को, हर हालात को देखते हुए तुम अपनी होश, अपना जागा निरंतर एक्सपैंड करते चले जाना। जैसे मन माया विस्तार में है, ठीक उसी तरह तेरा देखना विस्तार में निरंतर एक्सपैंड होता चले। मन के बाजार से हटते चले आना, विचारों की भीड़ से हटते चले आना। लगातार देखते रहना, भले अंधेरा ही हो, आप अपना देखना जारी रखना। देखना महत्वपूर्ण है, देखना बहुत जरूरी है। गैरों को देखा तूने, अपने को नहीं देखा, तूने अपने को नहीं देखा। अपने को देख लेना अत्यंत जरूरी है, इंडिस्पेंसिबल है। अपने को देखे बिना, जाने बिना, पहचाने बिना कैसे तुम सुखी जियोगे? वही स्वस्थ सुखद जीवन है जो अपने को जानकर, अपने को पहचानकर, अपने को मिलकर के जीता है। अपने से प्रेम प्यार मोहब्बत करने का मांग मुझे, अपने को निरंतर डिस्कवर करते चले जाना। अपने थर्ड आई में रहना, शिव नेत्र को जगमगाना, लगातार देखते रहना। तुम देखने वाले हो, अकर्ता दृष्टा हो, एक न्यूट्रल एनर्जी हो तुम अपने स्वभाव में, अर्थात निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के रहना। लगातार भीतर की राह पर जाके जाके रहना। मौन पूर्वक जाके जाके मुदित भाव में देखने की प्रक्रिया बहाल रखना, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, करना कुछ नहीं, केवल अपने स्वभाव में रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना। अवसर चुकना नहीं, अपने आविष्कार में तैनात रहना, अपना बचाव कर लेना, अपना सुधार कर लेना, अपनी संभाल कर लेना। जिसको तुम संभालने आया हो धरती पर, सर्वप्रथम उसको संभालना। ये परम धन, परम संपदा, सुक्ति, जागरण, होश, अवेयरनेस की सेल्फ एनलाइटेंड स्टेट, ये प्रकाशमान स्थिति, ये मास्टरशिप सर्वप्रथम संभालना, इसको प्रोटेक्ट करना।
संपदा है। जागोगी तो जानोगी। आमीन। जागे उठेगी ध्यान की लहरी, जागे उठेगी ध्यान की लहरी, मुर्शिद की अंगनाई में दिल की चोट उभर आएगी, दिल की प्यास उभर आएगी। मन रख दो रहनुमाई में, मन रख दो रहनुमाई में, जागे उठेगी ध्यान की लहरी, जागे उठेगी प्रेम की लहरी। जो पहले तेरे दर से चले थे उनको दुनिया भूल न पाए, जो पहले तेरे दर पे चले थे उनको दुनिया भूल न पाई, हमने कैसे रंग भरे हैं, हमने कैसे रंग भरे। जो जो सदियों से आज तक उसके द्वार से चले, उसके दर पे चले, उसके मार्ग पर चले, वो सब आज तक जगमगा रहा है। उसकी आशिकी में, उसके इश्क में जो जो उतरे, उसकी प्रेम की बहारों में जो जो उतरे, वो आज तक भी हमारे सिर माथे पर जगमगा रहा है। वो आज तक भी हमारे लिए यूनिक एग्जाम्पल, जीवन जीने की दिशा दे रहा है। क्या क्या गजब के रंग भरे हैं उन्होंने प्रभु के इश्क में, ईश्वर के इश्क में। उस ऐश्वर्य को कितना बढ़ावा दिया है उन्होंने, उस मालिक के अस्तित्व को कितना जगमगाया है उन्होंने, कितनी वफादारी का सबूत दिया है उन्होंने। खुद इश्क में क्या उतरे कि ईश्वर हो गए हैं वह, खुद प्रेम में क्या डूबे हैं कि प्रभु हो गए हैं वह, खुद मन से क्या उठे हैं कि विराट होकर के जिए हैं वह। आज तक भी छोटे छोटे बालक ध्रुव प्रहलाद जैसे, छोटी छोटी अवस्था तरुणावस्था में सुखदेव जैसे, नचिकेता जैसे, श्वेत केतु जैसे, छोटी छोटी आयु में भीखा जैसे, भीखा भूखा कोई नहीं आ रहे हैं, गरीबी गरीबी की बात करने वालों उस भीखा से पूछो जिसके पास केवल भिक्षा पात्र है और दुनिया का बादशाह है। सदगुरु गुलाल का, जागे पुरुष गुलाल का शिष्य, 12 वर्ष का बालक भीखा, 8 वर्ष की आयु में अपनी प्यास लेकर के चला है
उन राहों पर जिन राहों पर कोई ना कोई जागा पुरुष मिल जाए तो उसका अष्टांग योग हो जाए 8 वर्ष की आयु में। छोटा सा बालक रात के समय चुपचाप खोज तलाश में उसकी उतर गया, चलता जा रहा है। काशी के एक एक द्वार पर पहुंचा है, कहीं प्यास तृप्त नहीं हुई। 12 वर्ष गुजर गया, अर्थात 4 वर्ष गुजर गया, 12 वर्ष का बालक हो गया। 12 वर्ष हो गए जन्म के पश्चात, 12 वर्ष यूं ही गवा दिए। वापस लौटता हुआ रोता है, रो रो करके कहता है, मेरी 12 वर्ष की जिंदगी लुट गई, मेरी 12 वर्ष की जिंदगी व्यर्थ गई, मालिक के बिना प्रभु के बिना यूं ही जिए जा रहा हूं रेगिस्तान की तरह। उसके बिना भी जीना क्या जीना है। आखिर गुरु कृपा बरसती है, जाके पुरुष का मिलन होता है, राहों पर ही मिल गया। जब प्यास प्राणों में उतर करके मछली की तरह छटपटाने लगी तो मुर्शिद मिल गया, गुलाल मिल गया, लालो लाल कर दिया जिसने उसे। सारी उम्र भीखा गुलाल के अंतर्गत रहता है, लालो लाल होकर के रात दिन सेवा साधना की मूर्ति बनकर के, जाग करके भी, जान करके भी भीखा। मुर्शिद के द्वार की खाक बन के रहता है। राम जैसे सरीखे शिखर, स्वयं साक्षात भगवान, भगवत्ता की मूर्ति, अंतिम घड़ी तक अपने सदगुरु वशिष्ठ के इशारे पर नाचता है, उन्हीं की दिशा में सारी उम्र रहते हैं। आखिरी दम तक भगवान कहलाने वाले, भगवत्ता की साक्षात मूर्ति, भगवान कहलाने वाले आखिरी दम तक गुरु के इशारों पर नाचते हैं। सरयू नदी में अगर जल समाधि भी लेना है तो उनसे पूछ के जा रहा है, कसम है ये है एकमात्र प्रेम का महान स्वरूप, प्रेम ही समर्पण है। कभी कोई फैसला, कोई डिसीजन अपने से नहीं लेते हैं, जो गुरु वशिष्ठ का ही। रुक जाते, शायद रुक जाते, बाप की दुर्व्यवस्था को देख करके रुक जाते, डेथ बेड पे पड़े दशरथ, कि आहों को देख करके, उसकी दुर्व्यवस्था को देख करके रुक सकते थे, कि तू जैसे ही आंख गुरु से मिली, नजर से नजर को इशारा मिला, गुरु वशिष्ठ ने नजरों से इशारा कर दिया, राम जाना होगा, किसी पड़ाव पर रुकना नहीं, तेरे रुकने से कोई मौत रुकेगी नहीं, तेरे रुकने से कोई जिएगा नहीं, कोई मरेगा नहीं, तेरे रुकने से कुछ होने वाला नहीं, आप अपना धर्म निभाइए। राम जोश और होश के समन्वित रूप, जोश और होश का समन्वय लेकर के बैलेंस में, संतुलन में, मध्य में खड़े हैं। जोश और होश का समन्वित रूप है उस नौजवान में, नवयुवक में, जो आज नहीं है। जोश ही जोश है, होश नहीं है, और अगर होश है भीतर का तो जोश की कमी नहीं होती, और अगर जोश है जोश, केवल जोश ही जोश है, होश नहीं, तो वह दो कौड़ी का है, वो पश्चाताप का रूप बनता है एक दिन। जोश और होश का समन्वित रूप नौजवान राम में, राजकुमार राम में हमें दिशा देता है,
कि यूथफुलनेस कैसी होनी चाहिए, यूथ कैसा होना चाहिए। परंतु ये तो गुरु कृपा है जिस पे बरसी, वो स्वयं जोश होश का समन्वित रूप बना। इशारों पर राम चल रहे हैं, किसके? गुरु के। 14 वर्ष वनवास के दौरान भी हर एक संत फकीर में उन्होंने अपने गुरु का दर्शन किया है, अपने गुरु का ही दीदार किया है। और हर द्वार पर कितना समर्पित भाव, कितना प्रेम भाव जो जो दर्शाया है, सब यही शाबाश देते हैं कि शिष्य हो तो राम जैसा। गुरु का जय जयकार होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से, शिष्य हो तो राम जैसा। क्या गजब के रंग भरे हैं उन्होंने प्रभु की आशिकी में, प्रभु के प्रेम में। एक कदम भी पीछे मुड़कर के नहीं देखा, मिट गए और मालिक होकर के आए। जो जो आज तक उस दर के ऊपर मिटे, आज उनके गुणगान होते हैं, चारों युगों में होते हैं। और ये संभावना, ये पोटेंशियल, ये क्षमता हम सबके भीतर बराबर है। बस फर्क इतना सा है, इतना सा केवल डिफरेंस है, इतना सा फर्क है। उन्होंने एक्सप्लोर किया, अपने भीतर का आविष्कार किया, डेवलप किया, खोजा, उघाड़ा, उन पर्दों को हटाया जिन पर्दों के पीछे वो प्यारा बैठा है, वो घूंघट लेकर के बैठा। वो तो चाहता है उसका कोई घूंघट उतारे, कोई प्यास उठाए। ये मत समझना कि वो घूंघट लिए बैठा अपने आप को छिपाए हुए, नहीं। मत सोचना कि प्यास एक तरफ की होती है, प्यास दोनों तरफ छलकती है, दोनों तरफ होती है, तभी फलित होता है जीवन। एक तरफ की प्यास फलित नहीं कर सकती, दोनों तरफ होती है। उस मालिक की प्यास जैसे उठी तेरे पे उतरी और तू प्यासा हुआ, और तूने प्यास के कदम उठाए तो उसके पर्दे उठते चले गए, उसके घूंघट उठते चले गए। वो प्यासा भी उतना ही आतुर है जितना तेरी प्यास, वो साकी भी उतना ही पिलाने को आतुर है जितना तू पीने को है। दोनों ओर है, ये दोनों ओर का आकर्षण है, ये दोनों ओर की प्यास है। वो तड़पा है, वो तरसा है हमारे लिए, उसने प्यास उठाई। वो सर्वप्रथम वो प्यासा हुआ, फिर प्यास हम में जगी, दोनों ओर के कदम उठे, तो जीवन परमात्मा हुआ, जीवन जगमगाया। आज तक जो हमारे सिर माथे पर, हमारे पलकों पर निवास करते हैं, हम जिसके चरणों में, जिन जिन के चरणों में हम सर माथा सजदा करते करते थकते नहीं, जो हमारी जीवन दिशा प्रदान करते हैं, जो हमारी जीवन दिशा के महान महान उदाहरण है, मिसाल है, इशारे हैं, दिशाएं हैं। क्या गजब की जिंदगी जिया है उन्होंने, सुपर साइंटिस्ट है। जो पहले तेरे दर पे चले थे उन्हें दुनिया भूल न पाई अब तक, जो पहले तेरे दर पे चले थे उनको दुनिया भूल न पाई, हमने कैसे रंग भरे हैं, हमने कैसे रंग भरे है, इश्क तेरी रुसवाई में हमने कैसे रंग भरे। देख लेना अपनी ओर, हम क्या रंग, कैसे रंग भर रहा है। क्या बगुला भक्ति तो नहीं है, क्या हमारा दिखावा तो नहीं,
क्या ऐसा तो नहीं है कि हम प्रभु प्रेम चाहते हैं किंतु हम प्रेम दूसरों को देते हैं प्रभु को नहीं देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु अपनी कृपा करुणा बरसाए और तू उससे बचता रहे? चाहे तो उसकी कृपा को करुणा को रोज रोज तू प्रणाम करे, रोज रोज तू प्रार्थना करे उसकी करुणा कृपा के लिए, और जब वो करुणा कृपा बरसाने आ है तो कहीं तो भयभीत तो न हो जाए कि मेरा संसार छूटता है, मेरा माइंड छूटता है, कहीं बचने की कोशिश तो ना करे। हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। इश्क की बातें करने वाले, आशिकी के मिजाज होने वाले, ऐसा ही हो रहा है। अपने जीवन को अच्छी तरह से देखना, हमने इश्क में दोगलापन भरा है, हमने धोखा फरेब कपट चाल बगुला भक्ति पिरोई है, या परवाने पतंगे दीवाने होकर के अपनी क्षमा पे कुर्बान होने चले हैं। क्षमा अपने आप घर पहुंचती है, अपने आप तेरे दर पे पहुंचती है अगर तेरी दीवानगी हो। कितना सुंदर भीखा कहता है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, अपने को जानत नहीं, ताई विद भय कंगाल। रुस्वा किया तूने मुर्शिदों को, तूने रुस्वाई पिरोई है, आशिकी नहीं पिरोई। हमने कैसे रंग भरी है इश्क तेरी रुसवाई में, हमने कैसे रंग भरी है इश्क तेरी रुसवाई में, जाग उठेगी ध्यान की लहरी, जाग उठेगी प्रेम की लहरी, जाग उठेगी प्यास की लहरी।